तो हमने जो है यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जैसे कि क्वेश्चन में जैसा कि दिया था कि अगर ये स्क्वायर है और इसके वर्टिक्स पे सेम मास की जो है सेम मास की बॉडी रखी गई हो तो इस पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताएगी। तो हो गया, आपको समझ में आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये कुछ इतनी आएगी। इसके बाद इसी टर्म में एक मतलब आपने क्या किया, सबको सॉल्व किया और इसके बाद रूट टू वैल्यू 1.414 तो ये हो गया 5.41, ठीक है, और माइनस के साथ जो क्योंकि ये माइनस में फार्मूले में ही माइनस होता है। अब इसने सेकंड में कहा था कि एंड ऑल्सो ऑप्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक। तो हमने ये जो फाइंड आउट किया है जो है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर R इज इक्वल्स टू, अगर मैं R की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से R मतलब कि सेंटर की बात करूं तो ये कितना होगा, ये केवल R अगर मैं लेता हूं तो R इज इक्वल्स टू, सिंस हियर R इज इक्वल्स टू L रूट टू बाई टू, L रूट टू बाई टू इज इक्वल्स टू L बाई कितना रूट टू, ये हो गया। अब सिंस वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस GME अपान R, ठीक। तो ये होता है जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर्मूला, R मतलब जो भी मास तक की डिस्टेंस हो जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना। तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस सिस्टम तो क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, अगर मैं पहले से लूं तो कितना आएगा, माइनस जी एम अपान आर, आर की वैल्यू कितनी है एल बाय रूट टू, तो ये एल और ये रूट टू कहां चला जाएगा, ऊपर। लेकिन अगर देखें इससे भी उतनी सबसे उतनी मतलब मल्टीप्लाइड बाय कितना 4, ठीक है, नेट कितना आ गया, इतना आ गया। तो ये हो गया आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू 4√2 जी एम अपान एल, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नोट करें इसको जो है, सॉरी, तो 4√2 जी एम बाय एल, ये आपका क्या आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। अभी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, स्कैव स्पीड। तो आप इसे नोट करें फटाफट, स्कैव स्पीड, ओके। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला और किस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली गई जो है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी एक ऑब्जेक्ट के कारण भी हो सकती है किसी पॉइंट पर, तो ये भी इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, ओके। तो आइए जो है नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी, पहले तो आप उसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, एस्केप, एस्केप मतलब होता है जो है चले जाना। एस्केप वेलोसिटी मतलब कि कोई तो भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस से फेंका जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में अगर दोबारा वापस ना आए तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी, है ना, मतलब हमेशा के लिए क्या कर जाए, पलायन कर जाए, मतलब चला जाए वहां से। सच टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी by which any object is projected from the surface of earth due to projection body never comes in the influence of gravitational field, such a velocity called escape velocity from the surface of earth, okay। तो अभी देखते हैं जो है escape velocity क्या है। escape
वेलोसिटी, मतलब कि एक ऐसी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाए कि जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए, तो ऐसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग इसके वेलोसिटी कहेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि है कितना ये। अब जस्ट इमेजिन कि दिस इज अर्थ हैविंग रेडियस आर ई, हैविंग रेडियस आर ई एंड हैविंग रेडियस आर ई एंड मास एम ई। ठीक है, इसकी रेडियस है आर ई, मास रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास है एम ई। ठीक है, अब अगर बात करें इससे तो इसके सेंटर ओ से, ओ से इसकी सेंटर ओ से जो है एक पॉइंट, हमने ऐसा इमेजिन किया कि एक पॉइंट यहां पर है पी, जिसकी जो कि किसी हाइट या किसी डिस्टेंस पे है और जिसके सेंटर से लेकर के इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो आर है और आर इज इक्वल्स टू है आर ई प्लस एच। ठीक है, इस पॉइंट पी से यू जस्ट इमेजिन कि इस पॉइंट पी से इस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दी जाए, तो वी आई, इनिशियल वेलोसिटी मैंने कहा कि कुछ तो भी मैंने वी आई दिया जिसके कारण ये क्या चला जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को छोड़ करके कहां चला जाएगा, इंफिनिटी को चला जाएगा। ये कहां चला गया, ऐसा इंफिनिटी हो गया यहां पर जो है ये आ गया। अब मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर आने पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, vf हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने जो है वर्क और एनर्जी में जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, तो वहां था कि अगर जो ये दो पॉइंट्स है, मतलब किसी एक प्रोसेस में किसी भी पॉइंट की काइनेटिक और पोटेंशियल किसी दूसरे पॉइंट के, उसी प्रोसेस के किसी दूसरे पॉइंट के काइनेटिक और पोटेंशियल के हमेशा बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अब वहां पे पोटेंशियल कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ये क्यू, अगर मैं इसको ऐसा क्यू कहता हूं जो इन्फिनिटी वो पॉइंट है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू या एट पॉइंट इन्फिनिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट इन्फिनिटी जो भी आप ले रहे जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो नाउ अप्लाइंग फॉर एस्केप वेलोसिटी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना एट पॉइंट पी, मतलब इनिशियली इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, यहां पर उसका मास क्या है, ऑब्जेक्ट का मास हमने स्मॉल, बॉडी का मास क्या लिया है एम, और यहां से देखें तो उसकी कितनी होगी हाफ, उसका मास कितना होगा हाफ एम इंटू वी आई स्क्वायर प्लस, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस जी एम ई एम अपान आर लेता हूं स्मॉल आर, तो हमने लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम ई इंटू एम अपान स्मॉल आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल में मैंने ऐसा इमेजिन किया कि हाफ एम इंटू वी एफ स्क्वायर और प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, तो आपको याद होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम अपान आर की वैल्यू कितनी होगी इंफिनिटी, तो ये कितनी हो जाएगी जीरो, तो यहां से आपको ये मिल गया जीरो। अब आपके सामने जो है दो बातें हो गई, क्या कि हाफ एम इंटू वी आई स्क्वायर माइनस जी एम ई इंटू एम अपान आर इज इक्वल्स टू हाफ एम इंटू वी एफ ऑफ स्क्वायर, एक हो गया लेफ्ट साइड और दूसरा हो गया राइट साइड। तो
अगर हम लोग ये आइडियल डेरिवेशन कर रहे हैं, मतलब आइडियली ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आखिरकार उस वेलोसिटी vf की कितनी vi की कितनी वेलोसिटी हो कि जिससे ये जब इस पॉइंट p से थ्रो किया जाए तो इन्फिनिटी को चला जाए। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो, तो हम लोग एक ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर यहां से भी इसको थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है जब, तो ये इन्फिनिटी को जाते जाते मे बी इसकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। अगर हम लोग एक मतलब आइडियल केस फाइंड करते हैं तो ये है कि इन्फिनिटी को जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि सिंस हियर फॉर आइडियल केस, फॉर आइडियल केस, आइडियल केस के लिए ये हो जाएगी हाफ एम इंटू वी आई स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपान आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब या तो वन से ज्यादा होगा तो वहां पे कुछ वेलोसिटी हो सकती है, और इज इक्वल टू जीरो मतलब कि वहां जाके इन्फिनिटी को तो ही जाके रुकेगी, इज इक्वल टू जीरो मतलब कि इन्फिनिटी को जाके रुकेगी लेकिन वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आना ही तो हमारा एम है, उसको वापस नहीं आना है जो। ठीक है, बस वो यहां से थ्रो किया जाए तो इन्फिनिटी को चला जाए तो वही ऐसी वेलोसिटी ही क्या कहलाएगी, स्केप वेलोसिटी कहलाएगी। तो बहुत आसान हो गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, देयरफॉर हाफ एम इंटू वी आई हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम ई इंटू एम अपान कितना ये स्मॉल आर। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि क्योंकि हम लोग जो है आइडियल केस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो मिनिमम और मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी बाय विच एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट नेवर कम्स अगेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट विल मूव अवे फ्रॉम, मतलब जस्ट लीव द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, दैट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो ये कितना हम लोग ऐसा कहेंगे कि हाफ एम इंटू वी आई ऑफ होल स्क्वायर मिनिमम, मिनिमम पॉसिबल कितनी होगी, तो मिनिमम पॉसिबल कितना अगर ग्रेटर नहीं होगी तो इज इक्वल टू होगी जी एम ई इंटू एम अपान आर के। ठीक है, तो ये जो हमने ऐसा लिया, अगर हाफ एम को अगर उधर से डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, जो वी आई स्क्वायर जो मिनिमम पॉसिबल जो वेलोसिटी है इसे ही हम लोग इसके वेलोसिटी कहते हैं। इधर क्या हो जाएगा, टू जी एम ई और एम से डिवाइड हो जाएगा तो एम एम कैंसिल हो जाएगा और अपान आर। ठीक, तो अब जो ये आया जो है, जो ये आपका टर्म है जो है मिनिमम वाला, इसे ही हम लोग लिखते हैं आर वी स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर टू जी एम ई, टू जी एम ई अपान आर। ठीक है, सिंस आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, देयरफॉर या आर वी इज इक्वल टू टू जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। अगर किसी हाइट मतलब अर्थ के सरफेस से किसी हाइट एच से अगर थ्रो किया गया है तो ये फार्मूला आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगा, अगर इसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से फेंक दिया जाए तो क्या होगा, है ना, तो अगर सरफेस ऑफ अर्थ से इसको फेंका जाए जो है तो ये हो जाएगा कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए अगर देखें जो है तो ये हो जाएगा, सिंस सरफेस ऑफ अर्थ से फेंका जाएगा दैट इज एच इज इक्वल टू सिंस फॉर सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ आर एच इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देयरफॉर अबव, अब मतलब ये वाला, देयरफॉर अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, ये वी इज इक्वल टू टू जी एम ई अपान आर ई। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा यही पर मैं एक छोटा सा और रिलेशन बना देता हूँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, तो मैं आपको जो है एक छोटा सा और रिलेशन इसी के साथ जो है कंबाइन कर देता हूँ, ताकि बाद में आपको डायरेक्ट ये बात समझ में आ जाए कि ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहां से अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि इसके वेलोसिटी कितनी आई जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से 2gma/r, ठीक है, या 2gma/r, मतलब ये सब उसके जो है ठीक है वैरायटी ऑफ इक्वेशन है। कौन अब अगर ऑब्जेक्ट जो है हाइट h से फेंकी जाती है तो ये वैलिड है या ऊपर वाला, और अगर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से फेंका जाता है तो 2gma/r। अब मैंने आपको जैसा कि कहा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, या एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ बॉडी। अगर किसी बॉडी को ऑर्बिट में ले जाकर के एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दी जाए तो वो उसी वेलोसिटी से उस ऑर्बिट के मतलब अर्थ के चारों तरफ किसी एक ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करने लगता है, तो ऐसी स्पीड को हम लोग ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाकर के एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी दी जाती है जिससे वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, मूव करने लगता है। तो अगर देखा जाए तो कि क्या होगा जो है, तो हमें पता है कि since orbital velocity of satellite is given by क्या होगी, orbital velocity v naught is equals to क्या होता है gma/r, ठीक है, ये होता है। तो ये अगर अपना जो भी इक्वेशन हो जाए, जो भी आपका इक्वेशन नंबर हो वो ले लेते हैं, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। हेंस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, हेंस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट ve इज इक्वल्स टू, तो ये देखो ये सारी चीज तो बिल्कुल वैसे ही है सेम v नॉट के, therefore क्या हो गया root 2 times of कितना v naught। मतलब कि आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर उसी बॉडी की जिस बॉडी को आप escape velocity escape करने वाले escape velocity देने वाले हो, तो उसको orbital velocity कितनी चाहिए, escape velocity divided by root 2 मत, और या तो अगर उसकी escape orbital velocity पता है आपको तो escape velocity इसको root 2 times of orbital speed, ठीक है, orbital speed अभी थोड़ा आगे आपको अच्छे से डेरिवेशन में दिखा दिया जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ से जो है ये दोनों का रिलेशन भी निकाल दिया है ना, और बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई। अभी हम लोग एक बहुत ही अच्छे वर्कर पर डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए फटाफट। अब अगर मैं बात करूं कि जो आने वाला न्यूमेरिकल है, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट न्यूमेरिकल, ठीक है, जो जेई मेन्स एडवांस नीट कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, और वो आपके ये जो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर करा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 8.4, इट्स अ गुड एंड अ ग्रेट न्यूमेरिकल फॉर यू। क्या कह रहा है कि टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से जेई एडवांस के बच्चों के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहता है।
तो आइए जो है थोड़ा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कहता है कि टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर बट मासेस m एंड 4m हैव द सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r एज शोन इन द फिगर द टू स्फीयर आर हेल्ड फिक्स्ड अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ मास m डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर ओके ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere. ठीक है तो इसने कहा कि कोई दो स्फीयर है एग्जाम्पल नंबर 8.4 ठीक है एग्जाम्पल 8.4 NCERT यहाँ पर कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है m है इसका मास कितना है m है और इसकी रेडियस क्या बता रहा है वो r है अच्छा दूसरी बॉडी है उसका भी रेडियस सेम है रेडियस तो आर ही है लेकिन उसका मास कितना है 4m है और इसका मास क्या है m है ओके और इसके सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6r है सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6r है ठीक है अच्छा अब अगर मैं बात करूं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके सरफेस यहां पर ऐसा रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये दूसरे वाले अगर ये दोनों प्लैनेट हैं तो दूसरे प्लैनेट को चला जाए या अगर ये दोनों बॉडी है तो दूसरी बॉडी के पास चला जाए ठीक है क्यों मैंने इसने ऐसा क्वेश्चन बनाया क्योंकि अब इन दोनों में अट्रैक्शन तो है ही अट्रैक्शन फोर्स अब ये अगर इसके सरफेस पे है तो इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ये बहुत दूर है तो इसका अट्रैक्शन बहुत कम होगा तो इसको यही रहना चाहिए तो अगर यही रहेगा तो फिर मतलब यही रहना चाहिए लेकिन अगर हमें इसको यहां से यहां भेजना है तो हमें कोई ना कोई वेलोसिटी देनी होगी मतलब कि कोई ना कोई एनर्जी देनी होगी जो है तो हमने पहले ऐसा इमेजिन किया कि जब ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो ऐसा बीच में ही ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहां पे नल पॉइंट होगा नल पॉइंट मतलब नलिफाइड मतलब जहां पे फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा तो हम लोगों ने ऐसा इमेजिन किया कि भाई चलिए कोई तो भी एक पॉइंट ऐसा पी है जहां पे ये बॉडी जब आएगी ये मास तो यहां पर आते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मतलब मतलब कि यहां पर आते आते उस पे जो है नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो तो मैं एक ऐसी वेलोसिटी से फेंकूंगा कि जहां पर वो जा करके क्या हो जाएगा वहां पर उसकी वेलोसिटी हम लोग क्या इमेजिन कर लेते हैं जीरो इमेजिन कर लेते हैं ठीक है तो हमें जो है फाइनली उसको कहां तक फेंकना है बस कहां तक इस पॉइंट पी तक जहां पर फोर्स नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो हो जाए तो पहले तो ये तो निकाल लिया जाए कि नेट फोर्स जीरो होगी कहां अगर ये डिस्टेंस आर लेते हैं हम स्मॉल आर तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी 6r माइनस स्मॉल r ठीक है ऐसा होगा तो इस पर फोर्स जो है दोनों का फोर्स निकाल देते हैं सिंस नल पॉइंट विल बी f1 इज इक्वल्स टू क्या होगा f2 और अगर ये एफ वन जी एम इंटू स्मॉल एम अपान क्या आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी फोर एम फोर कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपान कितना सिक्स आर माइनस स्मॉल आर ऑफ फोर स्क्वायर वेरी सिंपल जी एम एम कैंसिल ये इधर ये हो गया सिक्स आर माइनस स्मॉल आर ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4r square or 6r minus small r is equals to 2r or 6r is equals to 3r or r मतलब हमें तो small r find out करना है small r is equals to कितना आ गया 2r ये हमारा जो है पहला equation आ गया इसने जो कि ये बता दिया कि ये यहां तक की जो distance है small r is equals to ये कितनी है 2r है अच्छा इसका मतलब कि यहां सेंटर से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2r है तो रिमेनिंग कितनी होगी यहां से यहां तक अब वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है वो कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा ओके तो हमें नल पॉइंट मिल गया हेंस द नल पॉइंट एट पॉइंट p फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जहां से ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है इज इक्वल्स टू आई स्मॉल r इक्वल्स टू 2r 2r डिस्टेंस में मतलब उसके सरफेस से r डिस्टेंस और उसके सेंटर से 2r डिस्टेंस ओके
अब देखिए, अब आपको लगता होगा कि यहां से फेंक करके वहां पहुंचाना है, नहीं, हमारा अपना जो है एम जो है उद्देश्य क्या है, केवल अगर मैं इस नल पॉइंट तक फेंक दूं जहां पे नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो अगर वो यहां आ गया तो जैसे ही वो इसके इन्फ्लुएंस से जरा भी इधर गए जाएगा तो इसका इसका जो है बड़ी वाली जो मास है, जो ग्रेटर मास है, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आते ही वो अपने आप जो है अपने तरफ उसको खींच लेगा। तो मतलब हमें आपको इसको ऑब्जेक्ट को फेंकने का टेंशन कहां तक है, सिर्फ पॉइंट पी तक है, ठीक। तो आइए नाउ अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको इसके वेलोसिटी के टाइम पर, ये आप नोट कीजिए, बहुत अच्छे से इसको नोट कीजिए कि फॉर वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी, फटाफट नोट कीजिए फॉर वेलोसिटी कि कितनी वेलोसिटी से फेंका जाएगा, तो फॉर वेलोसिटी, ठीक है, नाउ अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन फॉर वेलोसिटी। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं फॉर वेलोसिटी के लिए, नाउ अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, वी गेट, मतलब कि यहां से एक काइनेटिक एनर्जी देनी है और यहां की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, और फिर इस पॉइंट पर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, और फिर कहां पर पी पॉइंट पर जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी है, क्योंकि वहां तो जीरो भी हो जाए तब भी वो चला जाएगा उसके इन्फ्लुएंस में, और वहां पर उसकी टोटल, तो हियर ई आई एक तरीके से टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कहां पे ई पी पर, यही क्या है फाइनल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा मैंने तो कुछ तो भी हाफ एम इन टू वी वेलोसिटी से इसको फेंक दिया, वी वेलोसिटी दिया, ठीक है। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया और माइनस क्या हो जाएगा जी एम इन टू एम अपान क्या आर, एक तो ये आर हो जाएगा एंड एंड इसके कारण भी तो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी सिस्टम की, क्योंकि ये सिस्टम में है, तो माइनस जी इंटू फोर एम इंटू एम अपान कितना होगा, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 5r, यहां से लेकर के यहां तक की सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी 5r, है ना, बहुत आसान। अब इज इक्वल्स टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पे हमें ऐसा जीरो बना देना है, मतलब जीरो तक भी वहां पर पहुंच गया तो बस वो अपने इन्फ्लुएंस में लेकर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू वहां जाते ही इसकी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होगी, माइनस जी, है ना, एम, एम मतलब ये वाला एम इंटू स्मॉल एम अपान कितना यहां पे 2r, माइनस जी 4m, 4 कैपिटल m इंटू स्मॉल m अपान कितना ये यहां से यहां तक की कितना 4r, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया, अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो देखा जाए तो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, जी एम एम बाई आर और ये जी एम एम बाई आर, तो आप अगर इसको ध्यान से देखिए तो जी एम एम बाई आर और जी एम एम बाई आर फिर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट हाफ एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपान 2r और ये प्लस 4gm, मतलब कि एक कैपिटल m है, इंटू स्मॉल m अपान कितना 5r, ठीक है। तो यहां से मैं पहले तो हाफ एम से डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जैसे ही 2 जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम अपान आर, ठीक है, माइनस जी एम बाई आर, और ये यहां पर प्लस 2 8 हो जाएगा ये, और m से m कट गया, जी कैपिटल m अपान 5r। अच्छा, इसको दोनों बराबर करने के लिए अगर मैं 5 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5gm अपान 5r, तो ये हो जाएगा 5r में से ये चला गया तो कितना आ गया, ये 5 माइनस 5gm बाई आर और ये 8gm बाई 5r, तो ये हो जाएगा 3gm अपान 5r। तो बहुत आसान हो गया, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 3 gm अपान